हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स और एक न्यू रेसिपी लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ तो आज का जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है बहुत ही सॉफ्ट है और आजकल जो विंटर का सीजन में बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलता है तो आज एक ऐसे वेजिटेबल से मैं ये आज का जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी बना के आप लोग को दिखाऊंगी तो चलिए पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में यूज कर रही हूँ पहले देख लेते तो ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए पहले तो हम लोग को पत्ता गोभी चाहिए आपके पास अगर और भी कुछ वेजिटेबल्स है तो इस तरह से छोटा छोटा काट के इसको धो के ले सकते हैं तो मैं आज खाली पत्ता गोभी का बना रही हूँ तो यहाँ पे पत्ता गोभी को अच्छा से छोटा छोटा काट के धो ली हूँ उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई को गरम करके इसमें तेल दो चम्मच एड कर ली हूँ और तेल गरम होने के बाद दो से तीन छोटी छोटी हरी मिर्च को काट दी हूँ और एक मीडियम साइज का प्याज को भी उसको चोटी -चोटी काटी हूं और इसको हल्का सा सोते कर लेते हैं तो फ्रेंड्स कोई कोई कच्चा भी बनाता है ये जो ब्रेकफास्ट आज का जो गोभी का ब्रेकफास्ट तो मैं इस तरह से बनाती हूँ तो इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है तो थोड़ा सा सोते होने के बाद प्याज और हरी मिर्च इसमें हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे आप चाहे तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तो मैं मिर्चा पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड की हूँ इसीलिए मैं मिर्चा पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ उसके बाद जो काट कर रखे थे हम लोग पत्ता गोभी इसको ऐड कर लेते हैं और आंच को हाई में ही रखते हुए इसको इस तरह सा हल्का सा ये सॉफ्ट कर लेंगे ज्यादा सॉफ्ट करने का कोई जरूरत नहीं है हल्का सा बस इष्ट का कच्चा बन जाना चाहिए उसी तरह से हम लोग कुक करेंगे तो अभी इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग के पास टाइम नहीं होगा सब्जी बनाने के लिए इस तरह से आप झटपट बना के ये ब्रेकफास्ट खा सकते हैं बच्चे लोग को भी अपना लंच बॉक्स में दे सकते हैं कोई सॉस के साथ या चटनी के साथ बच्चे लोग बहुत ही खुशी से खा लेंगे तो देखिए ये हमारा पत्ता गोभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं तो देखिए यहां ठंडा होने के लिए रखी हूँ जब ठंडा हो जाएगा अच्छा से इसमें ऐड करेंगे चावल का पाउडर तो देखिए ठंडा होने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का पाउडर तो कच्चा चावल का पाउडर बना के रखी थी तो इसमें तीन से चार कप कच्चा चावल का पाउडर यहाँ पे ऐड करेंगे आप चाहे तो इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं मैं आज चावल का पाउडर से बना रही हूँ चावल का पाउडर से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है तो इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए इसका बैटर रेडी करेंगे ज्यादा थीक भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं तो मीडियम थीक रहेगा इसका बैटर तो देखिए हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो गया है इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप चाहे तो इसी टाइम इसमें धनिया पत्ता छोटा छोटा काट कर का ऐड कर सकते हैं तो मैं आज धनिया पत्ता ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे लोग को धनिया पत्ता उतना पसंद नहीं है उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तावा को गर्म होने रख दी हूँ और ये तावा में थोड़ा सा तेल ऐड करके इस तरह सा स्प्रेड कर लेंगे तो आपके पास अगर कोई ब्रश भी नहीं होगा तो इस तरह सा बैगन या प्याज कोई भी चीज आपको इस तरह सा काट के उसका डंठल की मदद से आप तेल को स्प्रेड कर सकते हैं ये बहुत पुराना तरीका है तो बेटर को इस तरह से करछी की मदद से एक करछी तवा में ऐड करके इस तरह से हल्का सा स्प्रेड करेंगे ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे तो आंच को मीडियम में ही रखेंगे देखिए कितना सुंदर ऊपर में सीधा सीधा आग बन गया है जब ऊपर साइड थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो दूसरा साइड पर डाल लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है ना और खाने के टाइम तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स आप लोग जरूर बनाइएगा अपने घर में तो देखिए ये हमारा एक बन के रेडी हो गया है इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसी तरह से और भी बना लेते हैं और ये फ्रेंड्स बहुत ही झटपट बन के रेडी होता है जरूर अपने घर में बनाइए खाइए बहुत ही स्वादिष्ट है आजकल तो बहुत वैरायटी वैरायटी सब्जी मिलता है आप कोई भी सब्जी का इस तरह से बना के खा सकते हैं तो देखिए इतना सारा मैं बना के रेडी कर दी हूं बहुत ही यम्मी लग रहा है तो आप कभी भी खा सकते हैं इसको लंच में डिनर में ब्रेकफास्ट है स्नैक्स के टाइम में कभी भी तो देखिए बहुत सारा ये बन के रेडी हो गया है तो आशा करती हूँ आज का रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा तो आज का रेसिपी आप लोग बनाइए खाइए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए